नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। जम्मू कश्मीर के राजौरी सेक्टर में आतंकियों से मुठभेड़ में सेना के एक अफसर समेत 5 जवानों की शहादत हो गई। जानकारी के मुताबिक पीर पंजाल रेंज में काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन जारी था, इसी दौरान आतंकियों ने आर्मी की पार्टी पर गोलीबारी शुरू कर दी। इसमें एक जूनियर कमीशन ऑफिसर और 4 जवानों की शहादत हो गई है, वहीं 3 से 4 जवान घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें आर्मी अस्पताल में शिफ्ट किया जा रहा है और ये लगातार हो रहा है। 370 हट गया, उम्मीदें बहुत ज्यादा थी, चेहरे खिल गए थे कि जम्मू कश्मीर में अब बहुत कुछ अच्छा होगा, खुशहाल जीवन होगा, लेकिन बीते 5 से 7 दिनों में कई लोगों की जान चली गई। आतंकियों ने आईडी कार्ड देखकर उन शख्सों को, उन लोगों को, उन मासूमों को मौत के घाट उतार दिया जिनका कोई कसूर नहीं था। ऐसे में आज ऑपरेशन चलाया गया। लगातार सूचना मिली थी आर्मी के जवानों को कि इन इलाकों में आतंकी छिपे हो सकते हैं। ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन के तहत हमारे 5 जवानों की शहादत हो गई, बेहद दुखद। ऑपरेशन अब भी जारी है और बैकअप पार्टी को मौके के लिए रवाना भी किया गया है। तो ऐसे में कई तरह के सवाल हैं कि क्या आतंकी फिर से सिर उठाने लगे हैं? 2 साल बाद फिर उनकी गतिविधि आखिर तेज कैसे हो गई है? क्या तालिबान की वजह से आतंकी जोश में है या फिर चीन पर ज्यादा ध्यान देने से कश्मीर पर से ध्यान हटा हुआ है? ये सवाल आम जनता के, देश के नागरिकों के, क्योंकि जिस तरह से एक सिख और एक हिंदू व्यक्ति की मौत हुई है कश्मीर में, उससे पूरा देश आक्रोशित है। देश भर के अलग अलग इलाकों में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं और मांग हो रही है कि 5 जवानों की जो शहादत हुई है उसका बदला लो। इसके अलावा जो वहां पर मासूम, जो निर्दोष मारे जा रहे हैं, उस पर भी तुरंत के तुरंत एक्शन लिया जाए। सेना के अधिकारियों ने बताया कि इलाकों में आतंकियों की मौजूदगी की सूचना पर सुरक्षा बलों ने सोमवार को आज सुबह यानी कि ऑपरेशन शुरू किया था। इस इलाके में भारी हथियारों से लैस आतंकियों के मौजूद होने के बारे में जानकारी मिली थी। जब आर्मी का सर्च ऑपरेशन जारी था तभी आतंकियों ने फायरिंग कर दी। गोली लगने से जेसीओ समेत 5 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिन्होंने बाद में दम तोड़ दिया। बेहद दुखद है, पुंछ में आतंकियों की सर्चिंग में टीम पर फायरिंग हुई है। इधर जम्मू कश्मीर के ही पुंछ में भी आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच सोमवार सुबह एनकाउंटर हुआ। डिफेंस पीआरओ ने बताया है कि खुफिया इनपुट मिले और इसके बाद सुरक्षा बलों ने पुंछ के सूरनकोट इलाके में डीरा की गली से सटे गांव में सर्च ऑपरेशन चला दिया। इसी दौरान आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच ये मुठभेड़ हो गई है। इसके अलावा अनंतनाग और बांदीपोरा में 2 आतंकी मारे गए हैं। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में एक आतंकी को मार गिराया। मारे गए दहशतगर्द की पहचान इम्तियाज अहमद डार के रूप में हुई है। वो आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा से जुड़ा हुआ था। कश्मीर के आईजीपी विजय कुमार ने बताया है कि डार बांदीपोरा के शाहगुन में हाल ही में हुई नागरिकों की हत्या में भी शामिल था। तो ये हालात है जम्मू और कश्मीर के। अमन चैन लाने की बात हो रही थी, अमन चैन आया भी था 2019 में जब 370 हटा, उसके बाद शांति, अमन, चैन, खुशहाली देखने के लिए भी मिली थी, लेकिन एक बार फिर से आतंकियों की घुसपैठ जम्मू कश्मीर में घाटी में तेज होती हुई नजर आ रही है। अनंतनाग में भी सुरक्षा कर्मियों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। इसमें सुरक्षा बलों ने एक दहशतगर्द को मार गिराया। इस दौरान एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। कश्मीर जोन पुलिस ने बताया कि दोपहर तक ऑपरेशन जारी रहा था, यहां 2 आतंकवादी के छिपे होने की सूचना मिली थी। तो 370 हटने के बाद कितने आतंकी हमले हुए हैं वो भी आपको बताना जरूरी है। जब से धारा 370 हटी है तब से आतंकवाद की घटनाओं में भी कमी आई है। अगस्त 2017 से जुलाई 2019 तक जम्मू कश्मीर में 129 आम नागरिक मारे गए थे, 211 सुरक्षा बलों के जवान शहीद हो गए थे, 509 आतंकवादी भी मारे गए। धारा 370 हटने के बाद अगस्त 2019 से अगस्त 2021 तक 66 आम नागरिकों की मौत हुई है। हालांकि जो संख्या है वो कम है, लेकिन दुख उतना ही है जितना धारा 370 हटने के बाद हुआ करता, उससे पहले हुआ करता था और उसके बाद हो रहा है, यानी कि 49% की कमी जरूर आई है।
तो धारा 370 हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं में लगातार कमी आई है। गृह मंत्रालय की अगर बात करें तो उसके द्वारा लोकसभा में जानकारी दी गई थी कि साल फरवरी तक 15 आतंकी घटनाएं हुई, जबकि सेना की जवाबी कार्रवाई में 8 आतंकी मारे गए हैं। आतंकवादियों से लोहा लेते हुए एक जवान शहीद हुआ है। सेना लगातार आतंकियों को ढेर कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद घुसपैठ भी लगातार जारी है। 2020 में 244 आतंकी घटनाएं हुई, 221 आतंकी मारे गए हैं। 2019 में 594 आतंकी घटनाएं हुई तो 157 आतंकी मारे गए हैं। गृह मंत्रालय के मुताबिक पिछले साल 6 आम नागरिक मारे गए थे, 33 जवान शहीद हुए थे। 2019 में 5 आम नागरिक मारे गए, 27 जवान शहीद हुए। वहीं 4 आईपीएस अधिकारियों के खिलाफ केस भी दर्ज हुए हैं, ऐसा गृह मंत्रालय की तरफ से जानकारी दी जाती है कि 2019 से अब तक 4 आईपीएस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इन आईपीएस अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए गए, इनमें से एक उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन सेवारत आईपीएस अधिकारी शामिल है। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, तमाम मेहमानों से भी आपका परिचय करा देते हैं। यहाँ पर इस वक्कार भट्टी सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। के सिन्हा जी डिफेंस एक्सपर्ट हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले सीधा सवाल के सिन्हा जी से, सबसे पहले तो आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में बहुत स्वागत है। और सीधा सवाल ये कि 5 जवानों की शहादत हो गई है, इतने सारे आम नागरिकों की जान जा रही है, इसका हिसाब कब होगा और कैसे होगा और कितने दिन में होना चाहिए? तो के सिन्हा जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, दोबारा से संपर्क साधेंगे हम। वक्कार भट्टी जी हमारे साथ बने हुए हैं। वक्कार भट्टी जी, सोशल एक्टिविस्ट हैं आप, आपसे जानने की कोशिश हम करेंगे कि धारा 370 हटी, उसके बाद देश भर ने टकटकी लगाकर जम्मू कश्मीर की तरफ देखा कि अब खुशहाली आएगी, अमन और चैन लौट आएगा, लेकिन इतनी हत्याएं, इतनी आतंकी गतिविधि बढ़ती जा रही है इन 2 सालों में, आखिर क्यों, क्या वजह है? जी आवाज आ रही है मेरी आपको? जी हाँ आवाज आ रही है। ये सवाल आपको होम मिनिस्टर मिस्टर अमित शाह और देश के प्रधानमंत्री फेकू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछना है। 370/35A को खत्म किया था तो अचीव क्या किया? आप ही तो बोल रहे थे ना मिलिटेंसी खत्म हो जाएगी, स्टोन पेंटिंग नहीं होगी, किलिंग्स नहीं होगी, अब अमन ही अमन होगा। ठीक है, तो आज मुझे बताएं आज क्या हो रहा है? किलिंग्स कंटिन्यू हर दिन हो रही है। अभी ईद पंजाल डिस्ट्रिक्ट पुंछ सुरकोट में 5 सेना के जवान मारे गए हैं। बताइए, पूछिए मोदी साहब से, आप क्या इसके लिए देश से माफी मांगेंगे, भारत के लोगों से माफी मांगे? अगर आपने 370 खत्म किया था तो फिर भी उसके बाद भी हालात क्यों नहीं बेहतर किए? और असल में 370 खत्म करने के पीछे जो मकसद था इनका, वो था देश की लाख लाख रियासतों में चुनाव जीतने, 2024 का पार्लियामेंट चुनाव जीतना। इससे ज्यादा कोई मकसद मोदी सरकार का नहीं था, क्योंकि मोदी सरकार नहीं है, मोदी सरकार एक कंपनी है और ये बिजनेसमैन लोगों को फायदा देने के लिए 370 को खत्म किया था। उसका नुकसान खासकर जम्मू रीजन में हुआ जब रिलायंस के 100 से ज्यादा स्टोर खोले गए और जम्मू के बिजनेसमैन जो लोग हैं हमारे, उनके लिए एक बड़ी इस तरह मुश्किल आ चुकी है कि वो अपना बिजनेस करें या इन लोगों के खिलाफ फाइट करें जो बाहर से आ रखे हैं। तो इस तरह जम्मू के जो हिंदू डोगरा भाई है वो भी नरेंद्र मोदी सरकार के अगेंस्ट हो चुका है। और मैं आज ये पूछना चाहता हूँ देश से, भारत के लोगों से पूछना चाहता हूँ कि सिर्फ मोशन के ऊपर, सिर्फ जो नरेंद्र मोदी साहब हिंदू मुस्लिम राजनीति करते हैं, कश्मीर पाकिस्तान की राजनीति करते हैं, उस राजनीति के ऊपर अगर आप वोट देते हैं नरेंद्र मोदी की जमात को, बीजेपी की जमात को, इस कंपनी को देते हैं, तो आपकी बहुत बड़ी बदकिस्मती होगी। क्योंकि आज हर दिन अगर आपके फौज के जवान मारे जा रहे हैं तो फिर मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप खुद ही ऐसी सरकार को पावर में ला रहे हैं जो सरकार सिर्फ सत्ता में रहने के लिए वोट बैंक का इस्तेमाल करती है। भट्टी साहब जी, बुरा मत मानिएगा, एक सवाल आपसे करूं। मैडम जी, हम कभी बुरा मानते नहीं, मोदी साहब ने इतना कुछ कर दिया, तब ने बुरा माना तो आज कैसे मानेंगे? तो आप अपने आप को क्या सच्चा हिंदुस्तानी मानते हैं? मैं सच्चा जम्मू कश्मीरी हूँ। आप हिंदुस्तानी नहीं है, आप सच्चे जम्मू कश्मीरी हैं।
हिंदुस्तान, हिंदुस्तान के आईन में नहीं लिखा हुआ तो भारत लिखा हुआ है। आप ये बताइए कि ये बहुत मार्मिक मुद्दा है, जवानों की शहादत हो गई है, 5 जवान आज हमारे बीच नहीं हैं, उनके परिवारों का रो रो कर बुरा हाल है, देश का खून उबाले मार रहा है। आप ये बताइए कि आप जो अभी कह रहे थे कि आप ये पूछिए मोदी जी से या गृह मंत्रालय से कि आखिर ये क्या हो रहा है 370 हटने के बाद। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में 594 आतंकी घटनाएं हुई थी, 157 आतंकी मारे गए थे। वहीं उसके बाद 2020 की मैं बात करूं तो 6 आम नागरिकों की जान गई, 33 जवान शहीद हुए हैं और भारी संख्या में आतंकी मारे गए हैं। उससे पहले की रिपोर्ट ये है कि इससे पहले यह आंकड़ा ज्यादा हुआ करता था, 49% कमी आई है आतंकी गतिविधियों में। मैडम जी, अगर एक साइड कमी हुई है तो उसी तरफ टारगेट किलिंग 2021 में कितनी हुई है? 28 किलिंग, 28 लोगों को, 28 सिविलियंस को, 28 बेगनाव लोगों को जान देनी पड़ी है टारगेट किलिंग से, तो उसकी जवाबदेही कौन देगा मैडम जी? मुझे बताइए, 28 में से 29 मुस्लिम थे और 9 लोग थे जो हिंदू, कश्मीरी पंडित या सिख, ये लोग थे, तो मुझे बताइए इसकी जवाबदेही कौन देगा? नरेंद्र मोदी साहब देंगे या अमित शाह देंगे या देश का वो मीडिया देगा जो झिंगा बांट रहा था श्री शांति खत्म होने पर? मैं ये कहूंगी आपसे कि जब भी ऐसा कुछ होता है, देखिए वैसे हमारी सेना पूरी तरह से परिपक्व है और मुंह तोड़ जवाब देती है आतंक को, लेकिन जब भी ऐसा कुछ होता है, वकार साहब, आम सिविलियंस को मौका मत देना, उधर पाकिस्तानियों को जाके मुंह तोड़ जवाब दे, उधर आपकी दांत खट्टे हो। आज तो इमरान खान मान रहे हैं, वकार साहब, इमरान खान मान रहे हैं कि बालाकोट में एयर स्ट्राइक हुई थी, आज ही उनका बयान आया है। मैंने कब बोला पेड़ नहीं गिराए? नहीं तो जवाब तो सरकार दे रही है ना, आप ऐसे डिनाई तो सीधे नहीं कर सकते। सारा मैडम जी, हमने पेड़ गिराए, उन्होंने हमारे अभिनंदन जी को उधर बुला लिया चाय बुलाने के लिए, तो सरकार ने बोलिए बोलिए, मैं वही बोल रहा हूँ, हमने जाके उधर पेड़ गिराए पाकिस्तान साइड, और पाकिस्तानियों ने हमारे अभिनंदन को यहाँ से उठा के वहां जाके चाय पिलाई, फायदा क्या हुआ हमें? कश्मीरी तो आज भी मर रहा है, उत्तर कश्मीरी मर रहा है। चलिए ठीक है, ठीक है, एक आम नागरिक के तौर पर आपको मैं सोशल एक्टिविस्ट नहीं कह रही हूँ, आप ये बताइए एक आम नागरिक के तौर पर 2019 से पहले क्या कश्मीर बहुत अच्छा था, अमन चैन था वहां पर, जो वहां पर लोग रह रहे थे, हिंदू हो चाहे वो सिख हो, क्या अपने आप को महफूज महसूस करते थे? नहीं, ना हिंदू ने महफूज किया, ना सिख ने किया, ना मुस्लिम ने किया। कुछ तो बदलाव आया है ना 2019 के बाद, कुछ तो बदलाव आया है या नहीं? आया, मैंने बोला ना, आया बदलाव के टारगेट किलिंग होने लगी आजकल, मारा जा रहा है, ये बदलाव आया है। टारगेट किलिंग पहले नहीं होती थी 2019 से पहले, 2019 के बाद 5 अगस्त के बाद टारगेट किलिंग हो रही है। अच्छा, 2019 से पहले टारगेट किलिंग नहीं होती थी, वो फिर वो दौर कौन सा था जब हजारों की संख्या में कश्मीरी पंडितों को उनके घरों से बेदखल कर दिया गया था, उनकी बीवियों को, उनकी बेटियों को सरे रहा, उनका रेप किया गया, बलात्कार किया गया, वो कौन सा दौर था फिर? मैं दे रहा हूँ, जैसा दौर 2002 में मोदी सरकार के गुजरात में था, जब महिलाओं को रेप किए गए, मुसलमानों को जिंदा जलाया गया, और जैसा दौर था ऐसा ही 90 वाला दौर था, ठीक है ना? तो वो कहते हैं ना, जब समुद्र आता है सब तो लेके डूबता है, और अब 90 को और 2002 को वापस अगर देखना चाहते हैं तो ठीक है, देखते रहिए, हमें क्या करना है उसको। मतलब आप सरकार ने जो 370 हटाया उससे बेहद खुश नहीं नजर आ रहे हैं? मैं मैडम जी खुश संतुष्ट भी नहीं है। मसले कश्मीर के ऊपर चर्चा होगी, कश्मीर एक डिस्प्यूटेड स्टेट है, एक डिस्प्यूटेड रियासत है, उस पर कश्मीर पाकिस्तान के पास, ठीक है, ठीक है, आपके पास वापस लौटूंगी वकार साहब जी, आपके पास वापस लौटूंगी, खत्म करो, आपके पास वापस लौटूंगी, आपके बहुत सारे सवाल हैं। और आनंद साहू जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। आनंद जी, सबसे पहले आपका बहुत स्वागत करती हूँ। आनंद जी, बहुत सारे सवाल हैं आज जनता के भी हैं, आज विपक्ष के भी बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन ये मैं जरूर कहूंगी कि 2019 के बाद से बहुत कुछ बदला है, लेकिन इन 2 सालों में क्या हो रहा है, क्यों आतंकी हमले इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं, क्या तालिबान एक वजह हो सकती है? देखिए, तालिबान से पहले मैं आपके जो पूरे सवाल का जवाब देना चाहूंगा, और अभी इस तरह से
हमारे बकार भाई बोल रहे थे, जी ये तमाम स्थिति जो कांग्रेस ने पैदा किया था और कांग्रेस ने जो नासूर का जो खेती किया था, जो देश को लहूलुहान किया, आज हमारे जो सैनिक शहादत हुए, जो पुलिस वाले शहादत हुए, जो मारे जा रहे हैं लोग, उसके लिए सबसे बड़ा दुखद घटना आज ये दुखता की कश्मीर और ये आज का जो घटना है उसका उत्तर ये है अपने हृदय के उद्घाटने का बात घटना हुआ है। बिल्कुल परेशान हूँ, आप खुशी इस बात की खुशी मना रहे आप कि लोग मरे जा रहे हैं, बात करते कि आप जो है आनंद जी आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है, शायद नेटवर्क इश्यू है। चाहे कोई भी हो, कश्मीर चाहे देश का कोई भगवान बने, चाहे कोई पत्रकार बने, बिल्कुल हिंदुस्तानी तो सब है ना, चाहे वो कश्मीर के हों, चाहे वो पश्चिम बंगाल के हों, चाहे वो उत्तर प्रदेश के हों। मैं एक बात पूछता हूँ, हमारे कश्मीरी भोले भाले लोगों को बतला करके उनको बगावत करा के उनको मरवा मरवा करके जो प्रधानमंत्री ने सपना देखा, आज कश्मीर को कश्मीर राज्यों को कश्मीर के रहने वालों को जो कल्चर जो हर प्रकार से प्राकृतिक हो आनंद जी आपको बीच में रोक रही हूँ। सर मेरी बात सुनिए, बड़े किस प्रकार की घटनाएं होती थी पहले, आज गिरीश चंद्र जी पैदल श्रीनगर की धरती पे शपथ ले रहे थे, एक अलग डेवलपमेंट देने के लिए नया पैगाम देने के लिए जी ने जो काम किया। ठीक है आनंद साहब आपको रोकना चाहूंगी। सिन्हा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सिन्हा जी सीधा सवाल, 5 जवानों की शहादत, हिसाब किताब कब होगा, कब बदला लिया जाएगा, क्योंकि देश बदला मांग रहा है एक बार फिर से। देखिए ये बदले का सवाल नहीं है, ये देश की अखंडता और पूरी ये बहुत बड़ी चीज है, ये छोटी सी चीज नहीं है। शहादत 30 सालों से हम देते आए हैं, हमारी सेना देते रही है। ये जो हाइब्रिड वॉर चल रहा है इंडिया और पाकिस्तान के बाद, और मैं सुन रहा था आपके चैनलों में बैठे हुए इस तरह से बातें कर रहे हैं, वो उनका हिस्सा है, उस हाइब्रिड वॉर के हिस्सा है, तो सवाल जवाब करते हैं। और ये देखिए जो और उसका जो रंग आज आप देख रही हैं वो आगाज है तालिबानाइजेशन का, वो तालिबानाइजेशन वो सोच है, वो रेडिकलाइजेशन है, जो कि कट्टरता के जिस तरह से आप चीजें परिस्थितियां बदली, ये कह रहे थे आर्टिकल 370 35A
ये तो चीजें बदली जमीन के ऊपर में, मगर जब दुश्मन वॉर करता है तो परिस्थितियां हर एक समय बदलती हैं। और मगर क्या नहीं बदल रहा है यहाँ पर, जो वहाँ के लोग हैं जो उस सोच को बढ़ावा देते हैं, इसी तरह भी जहाँ से ये चल रही है, एपी सेंटर है पाकिस्तान, वहाँ उसके साथ जुड़ते हैं। और हमारे हमारी लाचारी ये है कि हम इन पे एक्शन नहीं कर पाते। आज तो देखिए बहुत बड़ी मार है जब आप 370 लोगों को हिरासत में ले लेते हैं, NIA बहुत बड़ा एक्शन कर रहा है। जब आप सुरन कोर्ट में देखते हैं उस जगह में जहाँ पर हिलकाका का इलाका है, जो आज से 17 साल पहले एक बड़ा ऑपरेशन हुआ था, 165 लोग मारे गए थे उस ऑपरेशन में इनके आतंकवादी, वो फिर से रिवाइवल ये नहीं हो रहा है कि क्योंकि ये बैठे हुए भाई साहब बोल रहे हैं या 370, रिवाइवल ये हो रहा है कि पूरी दुनिया के अंदर में आज के दिन में परिस्थितियाँ चेंज हुई। अफगानिस्तान पाकिस्तान के अंदर में पूरा वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, उसमें टेररिज्म एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और उस बड़े हिस्से के अंदर में आप केवल बदला लेने से, 5 जवानों की शहादत से आप फिर आगे होगा, हम भी मारते हैं, मगर चीजें ये हैं कि हमें वंस फॉर ऑल यदि सॉल्व करना है तो जो उसका एपिसेंटर है वो कहां से चलता है, उसको चलाए जाते हैं। और उसमें लिप्त लोग जो यहां पर लिप्त हैं, जिसमें 670 को पकड़ा गया, यदि आप इनको छोड़ दीजिएगा इनका भी, और जो एक्सटेंडेड है, जो व्हाइट कॉलर आपके चैनलों में बैठ करके उनकी चीजों को उसको बढ़ावा देते हैं, सपोर्ट करते हैं, बहस करते हैं, ये डेमोक्रेसी का हिसाब किताब नहीं है, ये है आपके सुरक्षा से जुड़ा मामला, ये एक वॉर है। वॉर में आप डिस्कशन इन चीजों से नहीं कर सकते, सब चीज चलती है डेमोक्रेसी में, सब चीज होगा, इलेक्शन भी होगा। यानी सिन्हा साहब, ये बड़े खतरे की घंटी हो सकती है, सिन्हा जी बड़े खतरे की घंटी है, ये क्या है 100% है ये आपकी घंटी, घंटी क्या है, ये बड़े खतरे की घंटी है। वो चीजें हरदम चलती रहेंगी और आपको शहादत देनी पड़ेगी, हम तो शहादत देते रहे, हम 30-40 सालों से हमारे जवान हमारे ऑफिसर शहादत देते हैं, वो तो पीछे नहीं हटते ना, मगर जब ये आपकी ये जो नासूर है वो पैदा होता है, और इसलिए कि लोग उसके साथ खड़े हुए दिखते हैं। आपके चैनल में भी अभी सुन रहा था आप, वो कहते हैं डेमोक्रेसी का हमारा अधिकार, क्या अधिकार है इनको, हमारे लोगों को मारे जा रहे हैं, हमारे इनोसेंट ये टारगेट किलिंग करते हैं, ये मुहैया करवाते हैं हमको, ये उनको सपोर्ट करते हैं, गाइड करते हैं। और आप यदि इनको ऐसे ही देखते रहिएगा तो देखिए 2-3 सालों से क्या चल रहा है, आर्टिकल 370 या 35A बहुत इंपॉर्टेंट चीज था, आपने किया, मगर इसको आप नॉर्मलसी में बना लिया है ना, नॉर्मलसी कभी नहीं होगी वहां, क्योंकि आपका दुश्मन जो बैठा है वो अपने नए नए रूप में आएगा वहां पर, आपको हरदम मारने पड़ेंगे। ये सांप है, वो है कि हरदम वो विष रूपी सांप है, हरदम खड़ा ले आप उसको काटिएगा, उसको आप क्या भी करेंगे, मगर उसको अभी जड़ से खत्म करना है तो उसके जड़ में जाएं और उसको मोटे तौर पर ना देखें। सिन्हा जी ठीक है, वकार साहब कुछ कहना चाहेंगे आप? आप यही करते रहेंगे कि जमहूरियत चाहिए, कश्मीरियत चाहिए, इंसानियत चाहिए, क्या इसका मौका है अभी? मैडम जी मौका तो 2019 5 अगस्त को अमित शाह साहब ने और नरेंद्र मोदी साहब ने जो किया था वो मौका, छोड़ो यार नरेंद्र मोदी, बिल्कुल बदलाव आपको नहीं दिखाई देता, जरा बदलाव आपको दिखाई नहीं देता है। सुनिए ना, सुन लीजिए, आप बहुत डिबेट में आते रहे हैं आप, मैं आपको कहता हूँ आप व्हाइट कॉलर टेररिस्ट जो बैठ करके उनको आप सपोर्ट करते हैं, आप भी उसी का हिस्सा हैं, आप क्या बात करते हैं? सुनिए, आप मोदी जी और अमित शाह की बातें करते हैं, वो तो दुनिया तो सही, आज के दिन में सत्ता में है वो दुनिया में जनरल साहब कर सकते हैं, मेजर जनरल सेना साहब सुनिए, क्या सुनने का पेशेंस रखिए ना सर, क्या सुनने का पेशेंस रखिए आप, आपके साथ कोई पेशेंस नहीं रहा हमें, आप हमारे लोगों को मारते हैं क्या, हमारे लोगों को मारते हैं, मेरे का टारगेटिंग के लिए सुनिए आप लोग, जो सीआरपीएफ वाला मारा आपने, सीआरपीएफ वालों ने एक सीमेंट
सुमा ड्राइवर को शूट किया उसके ऊपर माफी मांगेंगे आप लोग? एक बेगुनाह सुमा चलाने वाले को गोली मार दी सीआरपीएफ वालों ने, आप माफी मांगेंगे? आप कौन होते हैं? नहीं है, नहीं है, जजमेंट देने वाले कौन होते हैं? आप कौन से जजमेंट देने वाले हैं? ये सुरक्षा का मामला है, इंटरनल सिक्योरिटी का पता है, एक बेगुनाह बकरवाल फैमिली, पत्तार साहब आप तो देश के अंदर ही एक नहीं हो पा रहे हैं, तो आप दुश्मनों से कैसे लड़ेंगे? मुझे पता है मैं क्या कर सकता हूँ आपको, आप चैनलों में बैठ करके व्हाट कह रहे हो टेररिस्ट का, मैं आपको तगमा देता हूँ। सेना साहब सुनने का पेशेंस रखिए, सेना साहब बीपी हाई हो जाता है पता है आपको? अरे भैया टीवी के ऊपर देखिए, ये मुद्दा बहुत ही मार्मिक मुद्दा है, या मुद्दा क्या कहे, 5 जवानों की शहादत हो गई है, कई लोगों की जान जा रही है, आप ये मानने के लिए तैयार नहीं है? हम अपने जान को हाथ में लेकर चलने वाले हैं। सेना साहब के चुप रहे हैं, मैं सब कुछ मानने को तैयार हूँ, पहले सेना साहब को चुप रहिए, सुने तो सही ना सेना साहब? आपको क्या चुप कराए, आपको जब आप लोगों की वजह से आम गरीब फौजी मरता है, आप कहते हैं ठीक है अच्छा है, आप कैसी बातें कर रहे हैं वकार साहब? आम सिविलियंस मरता, आप कहते हैं ठीक है मरने दीजिए, क्योंकि आप एयर कंडीशन से भड़काऊ भाषण टीवी पर देंगे, आपका काम ही वही है। आपके लिए वो सही था, आपके लिए वो सही था जब वहाँ पर पत्थरबाजी होती थी आपके लिए वो सही था जब वहाँ पर कश्मीरी पंडितों को निकाल दिया गया था उन्हीं के घरों से, आपके लिए वो सही था। 370 के बाद बदलाव हुए हैं, 370 हटने के बाद, आप इसे डिनाई नहीं कर सकते, बदलाव हुए हैं, स्थिति क्या एकदम से सामान्य हो जाएगी? अरे आप कौन सी टारगेट किलिंग की बात कर रहे हैं? टारगेट किलिंग भी हिंदू और सिख देख कर हुई है, आईडी कार्ड बकाए देखे गए। अरे भाई ये क्या है, आप दूसरों को टारगेट कीजिए, आप तो अपने आप को हिंदुस्तानी भी नहीं मानते, आप रेडिकलाइज करेंगे, आप चलिए ठीक है, ठीक है सीना साहब, इस्तेमाल करते हैं सीना साहब सुन लीजिए, हमने बहुत आनंद जी क्या ये फॉल आउट माना जाए, जैसे अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी हुई है, क्या इसे फॉल आउट मान सकते हैं? सबसे पहले मैं अभी पानी पीजिए, एक मिनट सुन लीजिए, मैं बहुत देर से अरे सरकार का पक्ष भी तो सुन लीजिए, सरकार से सवाल है, सरकार का पक्ष नहीं सुनेंगे वकार साहब? इनोसेंट हमारे सैनिकों को मारते हैं आप, ये बोलने दीजिए आप, मैं इतने देर से सुन रहा था जी। सेना साहब आपने खून बहुत पिया जम्मू कश्मीर के नहाते लोगों का, पानी पीजिए आप, सुन लीजिए उसके बाद आप बोलिएगा। मैं अभी गया था, मैं ताशकंद गया था उज्बेकिस्तान, वहां मैंने देखा कि किस तरह से वहां पर इतना जबरदस्त वहां डेवलपमेंट डेमोक्रेसी सब तरह का काम हो रहा है, महिलाओं का किस तरह से इंपावरमेंट हो रहा है, वहां उड़के बिल्कुल ही नहीं लगाते। और ये तरफ तालिबानी अफगानिस्तान में जिस तरह वकार साहब आप हंस क्यों रहे हैं? मतलब क्या है वकार साहब, क्या ये हंसने की वजह है? सुन लीजिए, चोकिंग कर रहे हैं, बुर्का नहीं पहन रहे, उसका क्या मतलब है? जो पहनेगा पहनेगा, जो नहीं पहनेगा नहीं पहनेगा। मैं खुद मेरा घर एक मॉडल लोग, हम एक बार सुन लीजिए ना, उसके बाद जवाब दीजिएगा, मौका तो आपके पास भी है, अभी एक घंटे की डिबेट है, आपके पास बहुत मौका है, सुन तो लीजिए एक बार। मैं ये कह रहा हूँ जिस तरह से एक तरफ उज्बेकिस्तान में डेवलपमेंट हो रहा है, एक अफगानिस्तान में तालिबानी जो है फरमान जारी कर रहे हैं, वहां पर आतंक चलते है, पाकिस्तान उसके बहाने पीछे पीछे जो अपना गांधी सवाल पाना है वो चौकी चला गया। अब ये बात जो है आपने देखिए, ये जो कश्मीर के जो हमारे व्हाइट कलर है,
और ये लोग ना अपनी घर बचा सकते हैं ना ये डेवलपमेंट का काम कर सकते हैं, लेकिन जो जो जिसके जो किलिंग हो रहा है जो किलिंग हो रहा है उनके खिलाफ जी लगातार जो कश्मीर को एक साथ ठीक है आनंद साहब मैं आपकी सारी बातों से एग्री करती हूं। आनंद साहब मैं आपकी सारी बातों से एग्री करती हूं। आप मुझे एक बात बता दीजिए आनंद साहब आपकी सारी बातें ठीक आनंद जी मुझे सुन पा रहे हैं आप आज भारत के साथ लगातार संवाद कर रहे हैं और कुछ कंट्री जो नहीं है वो भी आज जिस प्रकार से आज हमारे मेरे साथी अटल जी आज यह अगर चर्चा है आनंद साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं वही रात सत्य हो जाएंगे लेकिन यहाँ यहाँ तो ब्रिटेन में एंजॉय करो वो भी खेलो मजे करो गाली को सलाम है भाई तुम लोग आनंद साहब ठीक है आपकी सारी बातों से एग्री। आप ये बताइए मुझे कि अभी जो बीते दिनों जो हो रहा है 5 से 6 दिनों में जिन आम नागरिकों की जान गई है क्या है वो लोग डर रहे हैं, लोगों ने बुकिंग कराई हुई थी कश्मीर घूमने की वो लोग डर रहे हैं अपनी बुकिंग कैंसिल कर रहे हैं। डेवलपमेंट की बात आप कर रहे हैं डेवलपमेंट हुआ है यही चाहता है उनके आतंकवादी विचारधारा और यही चाहते हैं उनके टेररिस्ट और यही देखिए और ये सारा जो है ये सारा जो है पाकिस्तान के लोग जो लोग इस तरह से बात पाकिस्तान अगर ऐसी जाके तरीके देते हैं वहां इतने चांद भी नहीं मर रह सकते उनको जेल की सजा के अलावा नहीं होगा क्योंकि वहां के लोग रेडिकलाइज्ड हैं जो एक तरफ प्राइम मिनिस्टर बैठा है एक तरफ चलिए आपसे भी यही सवाल है आनंद जी आपसे यही सवाल है 5 जवानों की शहादत इतने आम नागरिकों की जान चली गई बदला कब आप लेंगे क्या ज्यादा क्योंकि आपको बता दूं मैं सोशल मीडिया पर बहुत सारे सवाल आम जनता कर रही है इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि चीन पर ज्यादा फोकस कर रही है सरकार और कश्मीर पे उतना फोकस नहीं है जिसकी वजह से आतंकी घुसपैठ ज्यादा हो रही है। ये मेरा सवाल नहीं है आम जनता का है तो आपको जवाब देना होगा आम जनता के लिए आप सत्ता में है निश्चित रूप से। देखिए सबसे पहले हमारा फोकस जो है होलिस्टिक है और चीन जो है चीन के बल पे पाकिस्तान उछलता है पाकिस्तान तो ऑलरेडी भिखारी हो गया है बेकार कुछ भी नहीं है घोड़े लेके घूम रहे हैं इधर उधर बापू के नाम से जेल में बैठ गया था उनका अपना कुछ नहीं रह गया तो चाइना को चाइना जो हमारे जो पहले था और ठीक है आनंद जी ठीक है। वकार साहब बहुत देर से आप बोलने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो पहली बात आप अपने आप को हिंदुस्तानी नहीं मानते, दूसरा ये कि जो 5 जवानों की शहादत हो गई है क्या आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता? क्या आपकी आंखें नम नहीं होती हैं? पूरा देश रोता है जब किसी भी जवान की शहादत हो जाती है। 2019 में पुलवामा हमला हुआ पूरा देश रोया था। आपने सवाल पूछ लिया तो मुझे बोलने दीजिए, बीच में बताइएगा। जब तक पूरी सुनेंगे नहीं तो तब तक समझ नहीं आएगी कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या बोलना चाहता हूँ। देखिए मेरा सवाल खत्म, अब आपकी बारी है बोलने की। सुनिए, मैं आपने बोला कि मुझे दर्द भी होता 5 जवान मर चुके हैं, ठीक है, 5 जवानों की जान चली गई। मुझे हर उस इंसान जिस इंसान की किलिंग हो, जिस इंसान को मारा जाए, खासकर बेगुनाह जो भी इंसान हो, और बेगुनाह हर इंसान की दर्द मुझे है और मैं हर इंसान के लिए
यही दुआ करता हूँ कि उसकी जान नहीं जानी चाहिए, क्योंकि उसकी जान उसके माँ बाप के लिए, उसके बच्चों के लिए बहुत कीमती हुई कीमती होती है। भाजपा के लिए कीमती हो या ना हो, कांग्रेस के लिए कीमती हो या ना हो, और हमारे लिए कीमती हो या ना हो, लेकिन एक जवान, एक बाप, एक बेटे की जान उसके परिवार, उसके घर के लिए बहुत जरूरी होती है। ठीक है, कोई नहीं चाहता किसी घर का बच्चा मरे। इंसान को जीने का हक है, उसके जीने का राइट है, लेकिन मरवा कौन रहा है? मैडम जी समझना उस बात को है, 1947 से लेके आज दिन तक लाखों जम्मू कश्मीर के सिविलियंस मारे गए हैं, फौजी मारे गए हैं, पुलिस जम्मू कश्मीर की पुलिस वाले मारे गए हैं। मुझे बताइए आखिर इसका फायदा किसको हुआ आज दिन तक? नुकसान जम्मू कश्मीर को जरूर हुआ है, लेकिन फायदा किसको हुआ? फायदा तमाम पॉलिटिकल जो पार्टियां होती हैं, चाहे वो हिंदुस्तान की हो, चाहे वो पाकिस्तान की हो, जो भी सियासी जमातें हैं, बेनिफिट ये ले रही हैं। मर रहा है गरीब का बच्चा, मुझे बताइए किसी नेता का बच्चा मरा आके बॉर्डर पे? मुझे बताइए किसी बिजनेसमैन का बच्चा के लाइन ऑफ कंट्रोल में मरा? जब भी मरता है गरीब का बच्चा मरता है, चाहे इस पार मरे चाहे उस पार मरे। मेरा मानना यह है कि जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में कोई भी सिविलियन ना मारा जाए, जम्मू कश्मीर में अमन आए, और जम्मू कश्मीर में अमन तब आएगा जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान सीरियस हो जाएंगे जम्मू कश्मीर के लिए। जब तक हिंदुस्तान पाकिस्तान की सियासी जमातें सीरियस नहीं होंगी, जब तक इसको एड्रेस नहीं करेंगे, तो आपको ऐसा लगता है कि सरकार सीरियस नहीं है इन मुद्दों को लेकर? सरकार सीरियस नहीं है, कोई सीरियस नहीं, सिर्फ बिजनेस है जम्मू कश्मीर के लिए, एक बिजनेस है, ये तजारत है, और यहाँ बिजनेस किया जाता है, पॉलिटिकल बिजनेस है ये, और जब तक पॉलिटिकल बिजनेस लेके इसको चलेंगे, तब तक इसी तरीके से माओ के बच्चों की जाने जाती रहेंगी, बेगुनाहों की। अगर आप चाहते हैं कि जाने कीमती ना जाए, हर इंसान के जीने का हक है, तो आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए, किस तरह से सरकार काम करे, आप बता दीजिए। मैं बता रहा हूँ सर, मैं बता रहा हूँ मैडम जी, जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की सरकार और जम्मू हिंदुस्तान की सरकार दोनों टेबल पे बैठे और कश्मीरियों का साथ बैठाएं, उस पार कश्मीरी और इस पार दोनों कश्मीरियों का साथ बैठाएं, क्योंकि फर्स्ट फ्रीक जो है वो कश्मीरी है। इनको बैठा के एक ऐसा मसला निकालें, एक ऐसा कोई इस डिस्प्यूट का कोई ऐसा मसाइल निकालें जिस मसाइल से भारत भी तरक्की करे और पाकिस्तान भी तरक्की करे, और जम्मू कश्मीर के नागरिक जो है इस पार उस पार वो अमन से अपने घरों में बैठ सके, बिजनेस कर सके, कुछ अच्छा कर सके, वो भी जीना सीखें, उनको भी जीने की जिंदगी दी जाए। मैं ये चाहता हूँ, जब तक आप सीरियस नहीं होंगे ना, अपनी सियासत आप कमरे के अंदर रखिएगा। तो ये सिर्फ बीजेपी के लिए है, ये सिर्फ बीजेपी के लिए है या और भी राजनीतिक दलों के लिए है? नहीं मैडम जी, मैंने बोला चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, या मेरी जम्मू कश्मीर की तमाम लोकल जमातें हो, या भारत की तमाम पॉलिटिकल जमातें हो, या पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें हो, या इमरान खान हो, या नरेंद्र मोदी हो, सबको सोचना पड़ेगा आखिर कब तक लोगों की कीमती जाने जाएंगी। मुझे बताइए, चाइना हथियार बेचता है पाकिस्तान को, अमेरिका हथियार बेचता है हिंदुस्तान को, ये 95% जो डिफेंस के ऊपर खर्चा होता है, यही खर्चा क्या आवाम के ऊपर नहीं लग सकता हिंदुस्तान और पाकिस्तान? आनंद जी आपसे सवाल होगा, लेकिन इससे पहले यहाँ पर के सिन्हा जी बैठे हुए डिफेंस एक्सपर्ट, उनसे सवाल लेना बहुत जरूरी है। सिन्हा जी आपने वकार साहब को सुना है, बहुत बड़ी बड़ी बातें उन्होंने कही हैं और एक सजेशन भी दिया है कि क्या किस तरह से काम करना चाहिए। हमारे जो सेना है, हमारे जो जवान है, लगातार धूप में, सर्दी में, बारिश में, पत्थरों में, जंगलातों में लगातार दुश्मनों से लोहा लेते हैं। आप ये बताइए कि अब क्या स्ट्राइक जरूरी है पाकिस्तान पर, और जो अभी वकार साहब ने कहा है उसमें कितना सही है? देखिए काजोल, ये जो आप बता रही हैं, और जिस दिन आप इसको पॉलिटिकल डिबेट से बाहर लाएंगी, जब देशों के बीच में लड़ाइयां चलती हैं, तो कोई पॉलिटिकल डिबेट्स के ऊपर में आप बहस, उसके आप सोल्यूशन खोजेंगी, तो ये चलता रहेगा। प्रॉब्लम वो है, हम आप ये कहते हैं कि आप डिबेट करवाते हैं इसको, बीजेपी, कांग्रेस, ये सियासी दल, वो सियासी दल, मुफ्ती फारूक अब्दुल्ला, ये क्या देंगे ये दो देशों के? ये तो दुश्मन की बात कर रहे हैं, तो कहते हैं पाकिस्तान की तबदारी कर रहे हैं कि पाकिस्तान को ले आओ, उसके साथ बैठ जाओ और दे दो उसको पाकिस्तान जो मांगता है, और उसके बाद सॉल्व हो जाएगा ये तो। और आप उसको बहुत अच्छा मान रही हैं, शायद आप कह रही हैं कि बड़े बकार साहब ये हैं, बड़ा सोल्यूशन देंगे ये। देखिए ये नहीं, उन्होंने सजेशन दिया है ना, इसलिए तो आपसे पूछ रही हूँ सिन्हा साहब।
वो सजेशन दे रहे हैं यहाँ बैठकर। जिस दिन आप नहीं डिबेट राजनीति को राजनीति तो ये जो यहाँ पर बैठते हैं प्रवक्ता नेता ये बना देते हैं, मुद्दा तो सीधा यही है ना कि आगे क्या एक्शन लिया जाए, किस तरह से कश्मीर में अमन और चैन वापस लाया जाए। सत्ता दल में प्रवक्ता की बात नहीं है, सत्ता दल अपना काम करता है और कोई भी जो जिस पे पावर है उस समय में अपनी कार्रवाई करेगा। आप इसको ये देखिए, पूरे के पूरे विश्व के अंदर में हम लोग इंडिया में ही एक जगह है जहाँ हम इसको मुद्दा बना दिया है पॉलिटिकल। जो सत्ताधारी है, जो उसको चुन के आई हुई सरकार है, उनको काम करने दीजिए, उनके कामों को कोई सर्वेक्षण आप करवाएंगे ऐसे और इनको मौका देंगे तो ये करते हैं, तो इसलिए आपके एक्शन नहीं होते जब इनके ऊपर में उनके हाथ बांधे जाते हैं। आप 373 35 अल्फा के बाद में इनको आपने किनारे रखा था, देखिए परिस्थितियां अच्छी हो गई थी, परिस्थितियां तो अच्छी हुई है, परिस्थितियां अच्छी हुई है सिन्हा साहब, परिस्थितियां अच्छी हुई हैं, लेकिन शायद कुछ लोगों को इससे तकलीफ है कि वहां पर अमन चैन वापस लौट रहा है। सरकार साहब इसमें शामिल है, इनको ये पाकिस्तान की जब बात करेंगे। मेरी बात समझ गए आप सिन्हा जी? एक मिनट सेना साहब, आपने बोला कि मैं पाकिस्तान की बात करते हुए खुश होता हूँ, सुनिए बात, पाकिस्तान भी जाए बाढ़ में और जो दिल्ली में हुकूमत करने वाले वो भी जाए बाढ़ में, मुझे लेना अपने जम्मू कश्मीर की आवाम से मतलब, मेरे लिए जम्मू कश्मीर की आवाम से है, हम जाइए आप भी चुन के आ जाइए। मुझे जम्मू कश्मीर की आवाम से प्यार है, मुझे मत बताइए मुझे किससे प्यार करना है नहीं करना, अगर आप में हिम्मत है ना मैं बताता हूँ, जम्मू कश्मीर का एक बच्चा कहता है जाइए कल ही पाकिस्तान के साथ युद्ध कीजिए, आप सरकार से जवाब चाहते हैं तो आनंद साहब दे तो रहे हैं जवाब, सुन तो लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह से अभी इन्होंने कहा कि पाकिस्तान में भारत बैठ के बात करे, पाकिस्तान में भारत किससे बात करे, आर्मी से बात करे, आतंकवादियों के अकाउंट से बात करे, पाकिस्तानी से बात करे, सरकार से बात करे, कश्मीर कर रहे हैं जब से, लेकिन वकार साहब एक बात सुन लीजिए कि आप जैसे लोग और भी थे जो 370 हटने के बाद इसका विरोध कर रहे थे, आपको तो कुछ बदलाव दिखाई देता नहीं है, आपको तो वही पसंद है जो 370 हटने से पहले हालात थे। जी वकार साहब आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही है, बोलूं मैं? बिल्कुल बोलिए, बोलने के लिए आपको डिबेट में रखा है।
जी मैं आपसे कहना चाहता हूँ मैडम जी, जब 370 के बाद ना अक्टूबर 15 को ना मुझे भी नरेंद्र मोदी ने जेल की स्क्रीनिंग करवाई थी और मैं भी 7 महीने रहा था, तो जब मैं बाहर आया तो जज ने फाइल मारी मुंह पे, सरकार के मुंह पे, ये कौन सा देशद्रोह लगाया सरकार के मुंह पर फाइल मारी, मेरे पे देशद्रोह लगाया था कि मैं, हाँ जज ने जो एफआईआर थी ना मेरे पे, जो चार्जशीट थी, तो चार्जशीट पुलिस के मुंह पे मारी थी, ठीक है ना मैडम जी। और कैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं वकार साहब, कैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, सुनिए ना, बिल्कुल जज ने मारी ना, जज ने चार्जशीट मुंह पे मारी ना, केस ही झूठा था, डिसमिस केस का मतलब क्या होता है, डिस्चार्ज कर दिया केस, पर डिस्चार्ज केस यहाँ हजारों में होते हैं, यहाँ मैडम जी ना पॉलिटिकली नौजवानों की जिंदगियों को बर्बाद किया जाता है, फेसबुक पे छोटा सा कमेंट्स करने पे देशद्रोह कर दिया जाता है, देशद्रोही बना दिया जाता है। यहाँ जम्मू कश्मीर में ना अगर आप चाहते हैं ना जम्मू कश्मीर की बेहतरी अगर करना चाहते हैं ना, तो आपको नौजवानों का दिल जीतना था, दिल कैसे जीता जाता है, मोहब्बत से, दिल ऐसे नहीं जीता जाता कि डंडा और गन लेके आ जाओगे घर में, AK-47 वाला खड़ा कर दोगे, डंडा लेके खड़े हो जाओगे, नहीं सुधरो सुधरो ऐसे कोई सुधरता नहीं है। और अगर मुसलमानों का इतिहास उठा के देखेंगे तो मुसलमान के साथ जितना भी आप जुल्म करेगा मुसलमान उतना ताकतवर बनता है। आपके साथ तो कुछ हो ही नहीं रहा है ना, आपके साथ तो कुछ हो ही नहीं रहा है, आपको तकलीफ इसी चीज से तो हो रही है मैडम जी। मैं 4 बार जेल पे आ गया हूँ, आप क्या चाहते हैं कि AK-47 कंधे पर रख के मुझे गोली मार दी जाए, मेरी आवाज आ रही है, आप जेल में तो भेज दिया मुझे। वकार साहब जेल में गए आप, आपने बोला अभी मुंह पे मार दी, जो भी एफआईआर थी जो भी था सब मुंह पे मार दिया, चलिए ठीक है आपकी बात भी मान ली, ये बात भी मान ली आपकी। अभी आनंद साहब इस पर कुछ कहेंगे, उनसे पहले आपसे ही बहुत सारे सवाल हैं, आपको क्या लगता है आपके आपके कहने से या जो आप अपनी बातें रख रहे हैं इससे जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक हो जाएगा, जो आतंकी गतिविधियां हो रही हैं वो ठीक हो जाएंगी, आप दिल जीतने की बात कर रहे हैं कि जनता का दिल जीतना था, कैसे जीता जाएगा, सरकार ने इतने राज्यों का दिल जीत लिया, जम्मू कश्मीर का दिल सरकार क्यों नहीं जीत पाई? बिल्कुल मैं बताता हूँ, एक सोल्यूशन बताता हूँ, सिर्फ 2 महीने के लिए इस्तेमाल कर दीजिएगा, अपनी तमाम सेनाओं को उठा के थोड़ा सा इसको यूपी तरफ ले जाइएगा और फ्री कर दीजिएगा जम्मू कश्मीर पर, सेना पर एनओसी पे लगाइए और सेंटर फ्री कर दीजिएगा। फ्री हैंड कितनी बार तो दिया है सरकार ने सेना को, फ्री हैंड दिया है, ये सिन्हा साहब बताएंगे, सिन्हा साहब बताएंगे फ्री हैंड नहीं दिया, एयर स्ट्राइक कैसे हुई, उरी में सर्जिकल स्ट्राइक कैसे हुई, फिर फ्री हैंड कैसे दिया, सर्च ऑपरेशन लगातार चलाए जा रहे हैं, और कितना फ्री हैंड दिया जाएगा? मैडम जी आप समझे नहीं, आवाम को फ्री कीजिए, ये जो हाँ आपने हर घर में ना एक सेना वाला, आवाम को फ्री कर दीजिए। और पहले क्या हो रहा था, आवाम को फ्री कर दिया गया था, वहां पर कैसे आतंकी आते थे, छोटे छोटे मासूम बच्चों को 14 साल 15 साल के बच्चों का ब्रेन वॉश करके उन्हें पत्थरबाज बना देते थे, पहले भी 8 लाख फौज थी यहाँ, आज भी 8 लाख फौज है, पहले भी गन वाला बाहर रहता था, आज भी गन वाला बाहर ही रहता है, सेम सिचुएशन है मैडम जी, सुनिए सेम सिचुएशन है, कुछ फर्क नहीं आया है। पर तब जम्मू कश्मीर में नेता ऐसे, जम्मू कश्मीर में नेता ऐसे बैठे हुए थे ना, कुछ करने नहीं देते थे, बुरी लग जाएगी आपको। आज कौन सा करके देख रहे हैं, देखिए बदलाव हुआ है, बदलाव तो हुआ है, कौन से बदलाव नहीं हुए हैं, डेवलप लोग जा रहे हैं, देखिए अभी जो हिंसक घटनाएं हुई हैं, जो घटनाएं हुई हैं उसके लिए मैं मानती हूं कि सरकार की जवाबदेही है, सरकार जवाब दे भी रही है, सरकार लगातार बैठ के भी कर रही है। मैडम जी बदलाव, एक बदलाव बता दो मैडम जी, किनके एक बदलाव बताओ, क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर में, आनंद जी शायद वकार साहब जम्मू कश्मीर में नहीं रहते, मेरा कश्मीर करते हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है। आनंद साहब जवाब दीजिए, मेरे से पूछ रहे हैं, पहले आप अपने जम्मू कश्मीर में देखिए कि आपने क्या नहीं देखा है, जम्मू कश्मीर आपका है ना, आप जम्मू कश्मीर के हैं, आप हिंदुस्तानी नहीं है, बताइए जम्मू कश्मीर में बदलाव क्या है, डेवलपमेंट सबसे ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है वहाँ पर, हो रहा है डेवलपमेंट, कब कहाँ डेवलपमेंट हुई है, कहाँ आके खोल के देखिएगा दिख जाएगा, कहाँ बताइए ना, कोरोना डेवलपमेंट हुई थी, आंखें खोल के देखिएगा दिख जाएगा, स्वास्थ्य से
सेवाएं बेहतर की जा रही हैं, विकास किया जा रहा है। मैं आपसे बात कर रहा हूं, इनका चुप रहिए, मैं थोड़ी सी आपसे बात पूछ रहा हूं मैडम जी, इनका चुप रहिए। इनका चुप रहिए, हाफ मेंटर और इनसे बिल्कुल लोग इनको टीम बनिए। सुनिए 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 मेरी बात सुनिए। वकार साहब, जम्मू कश्मीर आपका नहीं है, हम सबका है। और आपको आपको शायद नहीं दिखाई देता, लेकिन पहले से बहुत बेहतर हुआ है, लोग खुश हैं, हिंदू सांस ले रहे हैं। सबसे बड़ा डेवलपमेंट यही है, हिंदू सांस ले रहे हैं, सिख सांस ले रहे हैं, सबसे बड़ा डेवलपमेंट। पहले नहीं ले रहे थे, पहले हत्याएं हो रही थी उनकी, मारा जा रहा था, घरों से बाहर निकाल दिया जा रहा था। 2019 के बाद मैं ये डिनाई नहीं कर रही, 2019 के बाद भी हुई है, लेकिन संख्या बहुत कम है। आप इस चीज को समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? मैडम जी, अगर आपको जम्मू कश्मीर का नागरिक बनना है तो उसके लिए जरूर आइए, यहाँ बसिए, हमने आपके इनकार नहीं किया। देखिए, हमें नागरिक ये मौका सरकार ने दिया तो है, ये मौका सरकार ने दिया है। चाहे जम्मू कश्मीर कितना भी बदल जाए, लेकिन आप नहीं बदलेंगे वकार साहब, आप नहीं बदलेंगे। तो हम कैसे बदलेंगे मैडम जी, अगर आप नहीं बदलेंगे तो हम कैसे बदलेंगे? हम तो ये नहीं कदम, हम दो कदम आपके पास आते हैं। आप मुझसे सवाल क्यों कर रहे हैं? आप सरकार से सवाल करिए ना, मेरे से सवाल करके क्या मिलेगा आपको? सरकार से जवाब मिलेगा तो जवाब तो मैं ही, सवाल तो मैं ही पूछूंगी ना, सवाल मैं ही पूछूंगी, जवाब आपको देना होगा। हिंदू अपने आप को खुश महसूस करते हैं, आप ये बताइए कि इससे बड़ा डेवलपमेंट क्या होगा? कोरोना काल में वहाँ पर वैक्सीनेशन इतने अच्छी तरीके से किया गया, स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हाँ, तरीके से दी गई। इसके लिए जो बिल्कुल हाँ दी मैडम जी, एक एक काम है मेरा, मेरा 25,000 रुपया मोदी केयर फंड में गया था, ट्रांसफर हो गया था गलती से, तो आप, वो मुझे आप मिला तो, नहीं है, ना उसका फायदा भी ना। पहले तो आप मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप सोशल एक्टिविस्ट हैं या वहाँ पर क्या करते हैं आप, ये बताइए पहले। आप तो ऐसा लग रहा है कि बस सरकार को हटाना है जैसे मर्जी। जम्मू कश्मीर में जो मैं स्टैम करता हूँ, स्टैम कोई सियासी पॉलिटिकल पार्टी भी नहीं करती। हर किलिंग्स वाले घर में जाता हूँ, हर एक के दर्द और दुख में शामिल होता हूँ, और लाखों लोग चाहते हैं जम्मू कश्मीर में मुझे। ठीक है, अपने वीडियोस, अपने सामाजिक कार्य के वीडियोस और फोटोज मुझे जरूर भेजिएगा, मैं अपने चैनल पर उन्हें जरूर चलवाऊंगा। सब देखा है, सब देखा है, मतलब आप बिल्कुल जनता को खुश किए हुए हैं। बिल्कुल खुश है, तो आतंकियों को भी बाहर कर दीजिए, आतंकियों को भी बाहर कर दीजिए ना, क्यों दुख में रख रहे हैं जनता को, आतंकी को बाहर कीजिए। सुनिए, मैं कह रहा हूँ एक बार गन दो साइड से रुकनी चाहिए, गन दो साइड से रुकनी चाहिए। अगर गन की तरफ से आईडी कार्ड देखे गए, सुनिए मेरी बात, आप सुनिए सुनिए, छोड़ दीजिए आपका भाषण। आनंद साहब कुछ बोल रहे हैं, मैडम ये क्या करते हैं, ये आतंकवादियों के बिचौलिए हैं, ये क्यों हो जाएगा? ये पांच जवानों की शहादत का जरा सा भी गम वकार साहब के चेहरे पर नहीं है। नहीं है बिल्कुल, आईडी कार्ड देख कर, आईडी कार्ड देखे जाते हैं, एक स्कूल में जाते हैं आतंकी, आईडी कार्ड देखते हैं, जो मुस्लिम है उन्हें हटा दिया, जो हिंदू है जो सिख है उनको टारगेट करके मार दिया, क्यों? और आप, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क इसलिए नहीं पड़ता कि कोई दिन ऐसा जाता नहीं है जिस दिन बेगुनाहों की जान यहाँ नहीं जाती है, या खून की होली से खेला क्या जाता। कर रहे हैं आप, एक सामाजिक कार्यकर्ता, समाज के साथ चलने वाले व्यक्ति, क्या कर रहे हैं आप, कुछ करिए ना फिर। हमारे लिए एक किलिंग सिर्फ एक्सीडेंट। चलिए ठीक है, आपने मेरे से बहुत सवाल किए, आपने मेरे से बहुत सवाल किए, और मेरा एक ही जवाब था कि हिंदू अगर वहां पर खुश हैं, देखिए मैं ये डिनाई नहीं कर रही कि वहां पर रोज लोगों की जान नहीं जा रही है, लेकिन आंकड़ा कम हो रहा है, डेवलपमेंट हुआ है, डेवलपमेंट सबसे बड़ा ये, आप मेरे से पहले आखिर में सुन लीजिए, डेवलपमेंट ये कि सिख और वहां पर हिंदू
चैन से जी रहे हैं, चैन की सांस ले रहे हैं। आखिरी सवाल, आप देखिए समय की कमी है, आपसे सवाल, मैं दोबारा डिबेट करूंगी आपको बिठाऊंगी, दोबारा डिबेट करूंगी आपको बिठाऊंगी जरूर, आपको अकेले में बिठाऊंगी, आप सवाल जवाब करिएगा, सवाल जवाब करिएगा। अगर आप जम्मू कश्मीर को समझना चाहते हैं तो आइए जम्मू कश्मीर में, बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप बुला रहे हैं तो आएंगे, आप बुला रहे हैं तो आएंगे। एक आखिरी सवाल, एक आखिरी सवाल सिन्हा जी से, सिन्हा जी, सिन्हा जी सब कुछ आपने सुना है, सरकार ये कह रही है कि हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, वकार साहब मुझसे पूछ रहे हैं कि डेवलपमेंट कितना हुआ है, आप बताइए कि अब आगे क्या एक्शन लेने की जरूरत है सरकार को, आखिरी सवाल आपका। चलिए ठीक है, शायद सिन्हा जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, आप सभी का बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है, किस तरह का बदलाव हो रहा है, और जो आज 5 जवानों की शहादत हो गई है उसको लेकर लगातार हम चर्चा कर रहे थे, लेकिन शायद कुछ लोग अब भी ऐसे हैं जो अपने आप को सामाजिक कार्यकर्ता कहते हैं लेकिन जो ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि वाकई जम्मू कश्मीर में बदलाव आया है, कैसे आया है, क्यों आया है, वो ये भी मानने के लिए तैयार नहीं है। उनका रटा रटा जवाब होता है कि आखिर सरकार क्या कर रही है। फिलहाल के लिए इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।